हाय गाइस, दिस इज वीबू एंड यू आर वाचिंग मी ऑन इंडिया रेव्स। एक और नई वीडियो में स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं टाटा की 5-स्टारर हैचबैक। मुझे पता है कि टाटा की जितनी भी फ्लीट है उनमें से मैक्सिमम ऑफ देम आर हैविंग ग्रेट ग्लोबल एनकैप रेटिंग्स, और इसकी ग्लोबल एनकैप रेटिंग का 5-स्टार रेटिंग है। ये एकमात्र ऐसी गाड़ी है हैचबैक या प्रीमियम हैचबैक में जिसमें 5-स्टार रेटिंग आई है, और 5-स्टार रेटिंग के साथ में कोई भी हैचबैक जो है वो टेस्ट नहीं की गई है जो 5-स्टार रेटिंग के साथ में आई है। दिस इज वन ऑफ देम। आई एम रिव्यूइंग द एक्सटी वेरिएंट। दिस इज नॉट अ रिव्यू, दिस इज एन ओवरव्यू बिकॉज आई विल नॉट बी ड्राइविंग दिस कार। तो स्टार्ट करते हैं गाइस इस वीडियो को। इन केस यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा दीजिए। एक इंपॉर्टेंट चीज कि टाटा या कोई भी अनदर मैन्युफैक्चरर अगर आपको चाहिए एंड यू वांट टू इन्वेस्ट, नई गाड़ी आपको खरीदनी है, दिल्ली एनसीआर से बिलोंग करते हैं, नीचे जो है वो फॉर्म फिलअप कर लीजिए ताकि सारे आप तक जो है वो डीलर डिस्काउंट पहुंचते रहे मेरे थ्रू। रॉयल्टी प्रोग्राम है, आप यहां पर फायदा उठा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, ये है एक्सटी वेरिएंट, यानी कि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट से एक वेरिएंट थोड़ा छोटा, और आज हम लोग इसको ओवरव्यू करने वाले हैं। सबसे पहले फ्रंट प्रोफाइल पे चलते हैं गाइज। मुझे इसका फ्रंट प्रोफाइल सबसे ज्यादा सुंदर लगता है इस सेगमेंट में। हाँ, मैं जानता हूँ कि i20 इज ऑल्सो वन ऑफ देम जिसका फ्रंट प्रोफाइल काफी अच्छा है, बट जस्ट लुक एट दिस मशीन, जस्ट लुक एट द डिजाइन दे हैव गिवन टू द हेडलाइट यूनिट। ये काफी सही लगता है, एंड ऊपर जो है वो एक ब्लैक कलर की स्ट्रिप दी गई है और नीचे आपको हेलोजन रनिंग लाइट्स ही नजर आएगी। अगर आप इसका टॉप प्रोफाइल करते हैं, यानी कि आप एक्सी खरीदते हैं, एक्सी ऑप्शनल खरीदते हैं, उसमें यू विल बी गेटिंग अ प्रोजेक्टेड हेडलाइट यूनिट, टर्न इंडिकेटर दिया गया है, एंड बहुत अच्छी फिनिशिंग आपको यहाँ देखने को नजर आएगी। इवन क्रोम का जो वर्क है वो डिटेलिंग काफी मुझे सही लगी। दिस इज द क्रोम, बट ये आंखों में चुभ नहीं रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा नीचे लेके चलूँ तो आपको यहाँ पर जो है वो DRL भी नजर आने वाली है फॉगलाइट यूनिट के साथ में। DRL और जो फॉगलाइट यूनिट है, फॉगलाइट यूनिट स्पेशली जो है वो हैलोजन है। नीचे आपको जो है वो डुअल टोन ट्रीटमेंट देखने को नजर आने वाला है बम्पर में, एंड ये काफी अच्छा लग रहा है। एयर डैम यहाँ पर, एंड एक बड़ी सी ग्रिल जो कि टाटा इंस्पायर्ड है, और टाटा की ज्यादातर ग्रिल में आप जो है वो हनीकॉम स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे टाटा का लोगो, यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग, ऊपर जो है वो आपको अगेन पियानो फिनिशिंग दी गई है। ये फिट एंड फिनिश मुझे काफ़ी सही लगी, ठीक है, मतलब बहुत अच्छी नहीं है लेकिन बहुत ख़राब नहीं है, ऐसा नहीं कह सकता मैं, बट ओवरऑल एक अच्छी फिट एंड फिनिश है, मैं इसको कहना चाहूँगा। नीचे अगर आप चलोगे तो यहाँ पर जो है वो हल्की सी लिप दी गई है दोनों तरफ ही, ये काफ़ी अच्छी लगती है। एंड यहाँ पर टोइंग हुक का जो है आपको सेक्शन देखने को नज़र आने वाला है। ऊपर थोड़ा सा लेके चलता हूँ, यहाँ पर बम्पर पे अगर आप देखोगे तो कैरेक्टर लाइनिंग्स आपको यहाँ पर देखने को नज़र आने वाली है, ये काफ़ी सही लग रही है गाइस। और फिलहाल मैं आपको साइड प्रोफाइल पे लेके चलता हूँ। बाय द वे, दिस इज अ कॉम्पैक्ट हैचबैक, दैट मीन्स इट कम्स अंडर द श्रेणी ऑफ 4 मीटर, 4 मीटर के अंदर अंदर ये आती है। एनीवे, लेट्स जस्ट कम टू द फेंडर पार्ट। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टर्न इंडिकेटर इस सेक्शन में दिया गया है, ये थोड़ा सा मुझे ओल्ड फैशन लगा या ओल्ड स्कूल लगा। फेंडर के अंदर की जगह अगर ORVM में दिया होता इट वुड हैव बीन बेटर। नीचे अगर आप चलोगे तो यहाँ पर आपको जो है स्टील व्हील्स ही देखने को नजर आएंगे, बट अच्छी बात ये है कि ये अलॉय, ये जो साइज है टायर का 195/55 रेडियल 16, वो काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छी ग्रिप आपको देगा। अंदर प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, मैकफर्सन स्ट्रट ही आपको जो है वो यहाँ पर सेक्शन मिलने वाला है सस्पेंशन का, और यहाँ पर भी एक जो है वो व्हील आर्च या फेंडर के ऊपर जो है वो आपको कैरेक्टर लाइन देखने को नज़र आने वाली है। यहाँ पर देखिए गाइस, ये ORVM जो है वो ब्लैकआउट किया गया है कम्प्लीटली, और सेक्सी टच ये देता है क्योंकि ये आता है पियानो फिनिश के साथ में, एंड पियानो फिनिश की एक बहुत ही थिक स्ट्रिप पीछे तक जाती है जो इसके लास्ट एंड में जाके मीट करती है, बहुत ही सही लग रही है। विंडो के ऊपर अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा एरिया जो है वो कवर करता है विंडो, और बी पिलर ब्लैकआउट किया गया है। सी पिलर में आपको जो है वो पीछे के डोर हैंडल्स दिए गए हैं। थोड़ी सी नज़र आपको जो है मैं रिक्वेस्ट बटन पर डलवाना चाहूँगा, बट एक साइड का ही रिक्वेस्ट बटन दिया गया है, दिस इज़ सैड। मैं चाह रहा था कि अगर टाटा दोनों साइड की ही रिक्वेस्ट बटन देती तो ज़्यादा अच्छी होती। यहाँ पर लॉक एंड अनलॉक करते हैं इसको, नीचे चलते हैं। एंड अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी कम है, बट ठीक है, इस सेगमेंट में आने वाली जितनी भी हैचबैक्स हैं उनकी ग्राउंड क्लियरेंस 165 के आसपास ही रहती है। सेम इज़ विद द टाटा एल्ट्रोस। थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ गाइस, रियर के प्रोफाइल में आप देखोगे एक ब्लैक ट्रीटमेंट, एक ब्लैक एलिमेंट यहाँ पर, एंड यहाँ पे जो है वो आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैंप्स देखने को नज़र आने वाली है। कोई भी डिफॉगर यूनिट जो है वो यहाँ पर नहीं दिया गया है। वोकल फॉर लोकल की बैजिंग जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, प्रधान सेवक कहते हैं कि वोकल फॉर लोकल, वहाँ यहाँ पर बैजिंग इसकी देखने को नज़र आएगी। ब्लैकआउट किया गया है इसके हेडलाइट यूनिट्स भी, एंड यहाँ पर जो है वो 3D इम्प्लांट दी गई है। ये वाला एलिमेंट जो है वो काफ़ी सही लगेगा आपको, रिवर्स लाइट आपको यहीं पर देखने को नज़र आने वाली है, एंड टर्न इंडिकेटर
नीचे आपको देखने को नजर आएगा एल्ट्रोज की बैजिंग जो कि काफी अच्छी लगती है। देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये आपको ऐसा लगेगा जैसे कि i20 में कैरी फॉरवर्ड कर दिया हो। तो ये वाला जो सेक्शन है और i20 का जो ये वाला सेक्शन है, दोनों अपील करते हैं, एक जैसे लगते हैं। एंड चलते हैं इसके बूट के अंदर, लेकिन उससे पहले मैं आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर दिखा दूं, जो कि दो ही दिए गए हैं इस वेरिएंट में। काफ़ी मुझे लगता है कि कॉस्ट कटिंग यहाँ पर की गई, दो आपको, दो की जगह आपको जो है वो चार यहाँ पर पार्किंग सेंसर्स आ जाने चाहिए थे। यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर यूनिट देखने को नजर आएगा एंड ये भी डुअल टोन ट्रीटमेंट के साथ में आपको दिया गया है। चलते हैं इसके बूट के अंदर और बूट को आपको चेकआउट करवाता हूँ। ये इस सेगमेंट में आने वाला काफ़ी बड़ा बूट है और आप देखोगे कि ये जो बूट है वो 345 लीटर्स का है जैज के बाद में। दिस इज़ द लार्जेस्ट बूट। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये दो पिलर्स हैं जो हो सकता है कि सामान रखते टाइम आपको थोड़ा परेशान करें, प्लेन नहीं है। एंड इसका जो नीचे की फ्लोरिंग है बूट की, वो भी अनइवन है, तो ये थोड़ा सा इवन होना चाहिए था, मुझे ऐसा उम्मीद थी। 60:40 की रेशियो में स्प्लिट होने वाली सीट्स आपको यहाँ पर नहीं मिलती है गाइस। एक ग्रैब हैंडल यहाँ पर मिलता है ताकि आप ईजिली इसको जो है वो यहाँ पर बंद कर सकें। अंदर चलते हैं, इंटीरियर आपको यहाँ पर चेकआउट करवाता हूँ। तो ये देखो कुछ इस तरीके का डुअल टोन ट्रीटमेंट में आने वाला इंटीरियर यहाँ पर आपको देखने को नज़र आने वाला है। इंटीरियर इसका काफ़ी अच्छा है गाइस। यहाँ पर जो है वो स्पीकर का सेट आपको देखने को नज़र आएगा, यहाँ पर ट्विटर का सेट, यहाँ पे डोर ओपनर एंड ORVM के कंट्रोल्स यहाँ देखने को नज़र आएंगे। साथ ही आप यहाँ पर देखोगे विंडो के पैनल्स, यहाँ पर बॉटल होल्डर्स आपको देखने को नज़र आएंगे एंड एक ग्रैब हैंडल यहाँ पर देखने को नज़र आएगा। फिट एंड फिनिश इज़ क्वाइट ओके, मतलब मेरे को शिकायत नहीं है फिट एंड फिनिश से। इंग्रेस करते हैं फिलहाल तो गाड़ी के अंदर, और यहाँ पे मैंने की यहाँ पर इजी इंग्रेस। देखो अगर आप XT वेरिएंट से ले रहे हैं तो XT वेरिएंट तक एक्चुअली आपके पास में सेम इंस्ट्रूमेंट कंसोल आएगा। वो वाला इंस्ट्रूमेंट कंसोल ये नहीं है जो इसके XZ वेरिएंट में आता है। तो इंस्ट्रूमेंट पैनल जो है या इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो रेगुलर ही है। थोड़ा सा अगर मैं हल्का सा पीछे आपको स्टेयरिंग की तरफ लेके चलूं तो रेगुलर आपको स्टेयरिंग मिलेगा जो कि एक्चुअल में लेदर रैप्ड नहीं है। स्टेयरिंग व्हील के ऊपर जो है वो आपको कंट्रोल्स नज़र आने वाले हैं। अच्छी बात ये है कि इसका जो हॉर्न का बटन है वो काफ़ी क्लोज दिया गया है, तो आप इजीली इसको दबा सकते हैं। 20 तक ला के नहीं की ज़रूरत नहीं है आपको अपने हाथ की, टाटा का लोगो यहाँ पे और एक फिनिशिंग अलग से यहाँ पर दी गई है। बट ये मुझे मोस्ट लाइकली ऐसा लगता है कि टॉप प्रोफाइल में सिल्वरिश फिनिश के साथ में आ जाएगी। यहाँ पर आपको जो है वो हेडलाइट यूनिट्स के कंट्रोल देखने को नज़र आएंगे, आपको यहाँ पर डिफॉगर यूनिट, यहाँ पर इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, ये सब चीज़ें जो है वो नॉर्मल, और ये आइडल स्टार्ट स्टॉप का स्विच आपको यहाँ पर देखने को नज़र आएगा। थोड़ी सी कैविटी यहाँ दी गई है, आप अपना सामान पर्स वगैरह जो है ईजिली यहाँ पर रख सकते हैं, जैसे कि मैं अभी रखने वाला हूँ। तो मैंने एल्ट्रोज की चाबी यहाँ पर रख दी, तो ये काफ़ी ईजी एंड काफ़ी सेफ जगह है। बाय द वे कुछ इस तरीके की आपको जो है वो चाबी देखने को नज़र आने वाली है, लॉक अनलॉक एंड ये लाइट के लिए, गाइड लाइट्स के लिए एंड ये बूट गेट के लिए जो है वो आपको देखने को नज़र आएगी। एनीवे चलते हैं और थोड़ा सा और मैं चेकआउट करवा देता हूँ इस साइड से थोड़ा सा, ताकि आप और चीज़ें भी देख सको इस वेरिएंट में एक्चुअली आता क्या क्या है। गाइस एक जो थोड़ा सा मुझे ख़राब चीज़ लगी टाटा एल्ट्रोज के इंटीरियर्स में वो है इसकी लाइट। तो आपके पास में एक ही ऑप्शन रहता है कि जब डोर खुलेगा तो ये लाइट खुलेंगी। आप ये नहीं कर सकते कि इसको डोर क्लोज पे क्लोज कर दें, अगर डोर ओपन क्लोज कर दें। कुछ लोग चाहते हैं कि उनका डोर खुले बट उनकी गाड़ी ना बताए, तो आपके पास में वो ऑप्शन नहीं है कि आप क्लोज को इसको कर दो। IRVM जो है वो मैनुअल ही दिया गया है, लेकिन इसका एरिया काफ़ी बड़ा है। अभी बड़ा सा IRVM आपको यहाँ देखने को नज़र आएगा। यहाँ पर मुझे दिया गया है एक सनवाइज़र जिसके अंदर कार्ड होल्डर आता है, और थोड़ा अगर मैं बॉटम प्रोफाइल पे लेके चलूँ तो यहाँ पर कुछ इस तरीके के, अगर मैं थोड़ा सेंटर कंसोल पे लेके चलूँ तो यहाँ पर भी डुअल टोन ट्रीटमेंट दी गई है, काफ़ी अच्छी लग रही है। मतलब ये ऑफ वाइट कलर जो है ना काफ़ी सूट कर रहा है इसके इंटीरियर्स के ऊपर। यहाँ पर आपको जो है वो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के बटन्स देखने को नज़र आने वाले, ये भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। एंड यहाँ पे जो है वो USB एंड 12 वोल्ट का DC सप्लाई देखने को नज़र आएगा। एम्बियंट लाइटिंग दी गई है, रूम लाइटिंग दी गई है, बट जो भी है आप उसको रूम लाइटिंग कहना ज़्यादा पसंद करोगे। एक कैविटी इधर आती है आपके पास में एंड ये कुछ गियर बॉक्स इस तरीके का, काफ़ी अच्छा लग रहा है लीवर भी इसका। और यहाँ पे इको मोड का बटन आपको देखने को नज़र आने वाला है। 12 वोल्ट का DC सप्लाई एक और यहाँ पे मिलती है, एक छोटी सी कैविटी यहाँ पे एंड एक कैविटी आपको यहाँ पर भी, ताकि अपनी कैन वगैरह जो है वो आप ही ईजिली रख सको। छोटा सा आपको जो है वो हैंड ब्रेक देखने को नज़र आने वाला है। फिलहाल तो एक्सेस करते हैं हम लोग इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की एंड कनेक्ट नेक्स्ट करके जो है वो इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पर दिया गया है। एंड्रॉयड ऑटो एप्पल का प्ले अभी एक्टिवेटेड नहीं है, बट ठीक है, ये पॉपअप डिस्प्ले जो है वो काफ़ी अच्छी लगती है, इस पर सूट करती है एक्चुअली। रेडियो, USB, फ़ोन सेटिंग,
फेवरेट ऑडियो सेटअप जो भी चीज़ है वो सब चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। थीम दी गई हैं, अलग अलग थीम आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि कलर चेंज आपको करना है तो आपके पास में रेड ऑप्शन है, और लाइटिंग आपको कैसी रखनी है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर जो आप एग्जैक्टली जैसा आप चाहते हैं उस तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर पार्क असिस्ट है, पार्क असिस्ट अगर आप चाहते हो कि एक्टिवेट रहे तो कुछ इस तरीके से पार्क असिस्ट एक्टिवेट हो जाता है। मैं यहाँ पर क्लोज़ कर देता हूँ, थोड़ा सा अभी भी लैग है, मतलब वो वाली बात नहीं है जो इस सेगमेंट में आने वाली i20 में होती है, या मे बी शायद बलिनो के कंपैरिजन में का जो है वो ये इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको यहाँ देखने को नज़र आएगा। एक अच्छी बात ये है कि इसका जो ग्लव बॉक्स है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, तो ये जैसे आप दबाओगे ये नीचे आ जाता है। यहाँ पे आप अपना इजीली कैन रख सकते हो, पेन होल्डर आपको यहाँ पर मिलता है, कुछ पेपर्स वगैरह यहाँ रख सकते हो, और अंदर जो है वो सामान रखने की जगह दी गई है जो कि एक्चुअली कूल्ड है, और आप अंदर भी इल्यूमिनेशन लाइट देखोगे। तो ये चीज़, ये पार्ट काफ़ी अच्छा है। जब बात होती है कंफर्ट की, तो ये सीट का जो पोस्चर है वो काफ़ी सही पोस्चर है। इंक्लाइन, रिक्लाइन, ये सब चीज़ें जो है वो आप इजीली कर सकते हो। ये वो एडजस्टेबल सीट है, तो आगे पीछे आप इसको कर सकते हो, और ऊपर नीचे आप इसको कर सकते हो, एंड रिक्लाइन कर सकते हो। एक्चुअली हाइट एडजस्टमेंट इसके अंदर नहीं दिया गया है, तो ऊपर नीचे ये नहीं होगी, बट यस रिक्लाइन एंड आगे पीछे ज़रूर हो जाएगी। एक्सटी वेरियंट आप खरीद, लग रहा था कि शायद ऊपर नीचे भी हो जाए, बट एनीवे नहीं है। और फिलहाल हम लोग चलते हैं इसके रियर में, तो मैं एक काम करता हूँ, इस वाली सीट को कर देता हूँ एग्जैक्टली सबसे आगे, और ड्राइवर सीट को कर देता हूँ सबसे पीछे, ताकि आप तक पहुँच सके मैक्सिमम एंड मिनिमम लेंथ। तो अभी फ़िलहाल मैंने ये ड्राइवर सीट जो है सबसे पीछे कर दिए। अच्छा, एक अच्छी बात ये है कि इसका जो डोर हैंडल है वो 90 डिग्री पर खुलता है, तो आप कुछ भी सामान ईजिली रख सकते हो। किसी भी, अब आप पार्टी में जा रहे हो तो आपके पास सामान बहुत ज़्यादा है, तो आप सामान इजीली इसके अंदर रख सकते हो क्योंकि ये 90 डिग्री पे खुलता है। चलो पीछे चलते हैं। ग्रैब हैंडल जो है इसका, आप देखोगे इस तरफ से, अगर मैं इस तरफ से आऊँ तो यहाँ से अगर आप देखोगे डोर ओपनर वो यहाँ पर दिया गया है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो फिलहाल मैं करता हूँ इनग्रेस, उस तरफ से करता हूँ फिर इस तरफ आऊँगा। यहाँ अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का जो है वो मेरे पास में लेग रूम मिलता है, छोटा सा लेग रूम आपको मिलेगा जो कि 3 फिंगर्स का ही है, और अंडर थाई सपोर्ट जो है वो आपको ठीक है, डिसेंट इनफ मिलता है, बहुत अच्छा अंडर थाई सपोर्ट, मैं इसको नहीं कह सकता। रिक्लाइन एंगल इज़ नाइस, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड अगर मैं हाइट की बात करूँ तो हेड रूम जो है वो डिसेंट इनफ है, नॉट दी बेस्ट, 2 फिंगर मेरे पास में अभी भी आ रही हैं। मेरे ख्याल में i20 ऑफर्स यू द बेस्ट हेड रूम, और बलिनो का जो लेग रूम है वो सबसे ज़्यादा इस सेगमेंट में अभी भी है। बट यस, शोल्डर रूम इज़ क्वाइट नाइस, उससे मुझे कोई भी मशक्क़त नहीं है। यहाँ पर कोई भी आम रेस्ट आपको देखने को नज़र नहीं आता क्योंकि वो टॉप प्रोफाइल में आता है। फिलहाल तो मैं चलता हूँ मैक्सिमम पोजीशन पे, एंड मैक्सिमम पोजीशन पे आप देखोगे कि काफ़ी सारा लेग रूम आपको जो है वो यहाँ पर देखने को नज़र आने वाला है। आपको एक ग्रैब हैंडल मिलता है दोनों ही तरफ, बट उसके अंदर कोट हुक नहीं है, और कोई भी पीछे की लाइट एक्चुअली नहीं दी गई है, यानी कि वैनिटी लाइट आपको पीछे नहीं मिलती है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यूटिलिटी स्पेसेस की, 2 यूटिलिटी स्पेसेस आपको यहाँ मिलेंगे, दोनों ही बॉटल होल्डर्स हैं जो कमाल की हैं, और ट्विटर का सेट एंड स्पीकर का सेट। हमेशा टाटा के साथ में मैंने ये दिखाया कि वो साउंड क्वालिटी के साथ में, यूटिलिटी स्पेस के साथ में, एंड गाड़ी की प्रैक्टिकलिटी के साथ में कभी खिलवाड़ नहीं करता। बी इट टाटा टियागो, हैरियर और नेक्सॉन एंड एल्ट्रोज, ये चारों ही गाड़ियों में मैंने देखा है कि सबसे ज़्यादा ऑफरिंग की जाती है इन तीनों चीज़ों की। तो टाटा के साथ में ये चीज़ तो है, इसके साथ में आपको मिलता है सेफ्टी का वादा। जब भी आप किसी, भगवान ना करे कि किसी एक्सीडेंट से मीट करते हैं, तो योर कार विल बी प्रोएक्टिव इन दैट केस, बिकॉज वो बेस वेरिएंट से ही कुछ ऐसे ऐसे फीचर्स दे रही होती है। जैसे कि मुझे याद आ रहा है टाटा हैरियर में डिस्क ब्रेक वाइपिंग भी है, जो कि आपको एक्चुअली रेनी सीज़न में काफ़ी मदद करता है। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर, देखिए स्पेस वगैरह जो है वो एक्चुअली ओके है, बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि आपको परेशानी यहाँ पर होगी। तो फिलहाल तो मैं बाहर निकलता हूँ एंड आपको इंजन सेक्शन दिखाता हूँ कि इसमें इंजन में क्या है क्या नहीं है। और दिस इज़ द 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन जो इसके अंदर आता है। हम लोग इस इंजन को और भी गाड़ियों में देखते हैं, जैसे कि टाटा। फिलहाल मुझे ये बंद करनी पड़ेगी। यस, तो ये जो पेट्रोल इंजन है वो 3 सिलेंडर का पेट्रोल इंजन है, एंड 86 PS की पावर के साथ में, एंड तकरीबन 113-114
न्यूटन मीटर के आसपास जो है वो टॉर्क डिलीवर करता है. नॉट द रिफाइनेस्ट, मोस्ट रिफाइंड इंजन, नॉट द मोस्ट पावरफुल इंजन इन दिस सेगमेंट, बट येस क्वाइट डिसेंट, मतलब एवरेज ही मैं इसको मार्क करूँगा. अगर आप i10 खरीद रहे हैं, स्विफ्ट खरीद रहे हैं, फिगो थोड़ी ज़्यादा पावरफुल है, तो उन गाड़ियों की कंपैरिजन में दिस इज़ क्वाइट नाइस, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है. अच्छी बात यह है कि आपके पास में एयर गैप या एयर पॉकेट बहुत ज़्यादा होता है, तो हाथ की जो मूवमेंट है इंजन के अंदर वो बहुत ईजी हो जाती है. नीचे से भी अगर आप देखोगे तो आपको ज़मीन नज़र आ रही होगी, यानी ये इंजन कवर नहीं दिया गया है, ना तो प्लास्टिक का और ना ही मेटल का. इंसुलेशन काफ़ी अच्छा है, पैडिंग दी गई है आपके पास में यहाँ पे, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है. तो फिलहाल तो मैं इसको निकालता हूँ और बात करता हूँ उसके डीजल इंजन की. एक 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलता है इसके साथ में, जो प्रोड्यूस करता है 90 पीएस की पावर, और वो भी काफ़ी अच्छा है. एक अच्छी बात ये है एल्ट्रोज के साथ में कि अगर आपको यू नो परफॉर्मेंस चाहिए तो आपके पास में बहुत ही अमेजिंग इंजन आने वाला है, जो मोस्ट लाइकली DCT के साथ में ऑफ़र किया जाएगा. और अभी कल ही उसकी लॉन्चिंग है, अगर आज ये वीडियो आ रही है, यानी कि 12 तारीख में अगर ये वीडियो आ रही है, तो 13 तारीख में उसकी लॉन्चिंग यहाँ पर रहने वाली है. सो गाइस, आज की वीडियो में तो इतना ही. टाटा एल्ट्रोज का आपका ये ओवरव्यू कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, बिकॉज मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के थॉट जानना. आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और आप जो है वो गूगल फॉर्म भी भर सकते हो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी गाड़ी जो है वो फीचर कराना चाहते हैं मेरे चैनल पे. तो नीचे दिया गया है गाइस एक गूगल फॉर्म, वहाँ जाकर जो है वो गूगल फॉर्म भर दीजिए, ताकि मैं पर्सनली आपसे मिलूं और आपका एक्सपीरियंस शेयर हो मेरे चैनल पे. चलिए गाइस, एंड करते हैं और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में. अंटिल फॉर द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग योर कार, ड्राइव सेफ गाइस.